नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर के एक इशू के साथ मैं आपके समय पुनः प्रस्तुत हूं। और इस समय हमारे देश में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ का जंग छिड़ा हुआ है। और क्यों? स्वामी रामदेव ने एक टिप्पणी कर दिया है एलोपैथ पर। वो टिप्पणी क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस कोरोना काल में उनका कहना था, इस कोरोना काल में जितने पेशेंट बाहर नहीं मरे उससे ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में कोरोना से मर गए, उनका यह कहना था। यह उनका विवादित बयान था। उसी के बाद से ये पूरा जंग छिड़ गया। पहले तो हम आयुर्वेद और एलोपैथ पे आते, उसके तब इनके बयान को आईएमए वर्सेस रामदेव पर इनके बहस पर आते हैं कि क्या है। पहले आयुर्वेद पे चलिए, एलोपैथ पे चलिए, डिटेल उसका पूरा इतिहास मैं बता दे रहा हूं। आयुर्वेद इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, मेनली इंडिया में, इंडिया और नेपाल में भी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई। और इसमें मेन नाम आता है चरक का, सुश्रुत का, धन्वंतरी का, इन सभी का नाम है। धन्वंतरी सुश्रुत के गुरु थे। चरक ने चरक संहिता लिखा, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा, जो कि मेनली शल्य चिकित्सा पे बेस्ड है। और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, वो भी 2500 साल पहले ही। और एक बात मैं और खास बता दूं, भारत में चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। पहले तीन वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्वेद को बाद में जोड़ा गया और इसी अथर्वेद में आयुर्वेद को भी जोड़ा गया बाद आगे चलकर। ये आयुर्वेद जो हम लोगों का है, ये पूरा का पूरा, ये भारतीय जलवायु के हिसाब से यहां पाई जाने वाली वनस्पतियों से तैयार किया जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ करते हैं। ये किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करता है। हां, उस समय जिस समय आयुर्वेद भारत में था, उस समय जितनी भी बीमारियां थीं सभी का इलाज इसमें था और आज भी कमोबेश है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका आयुर्वेद के बारे में। अब एलोपैथ के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए। एलोपैथ लगभग आज से 200 वर्षों पुराना है और इसका जन्म स्थान ग्रीस में कहा जाता है, यानी उस समय का यूनान। और इसके जन्मदाता का तो क्लियर कट नाम नहीं है, लेकिन सैमुअल हनीमैन ने एलोपैथ नाम दिया। और सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी का जन्मदाता कहा गया है। ये मूलतः जर्मनी के रहने वाले थे। ये भी क्रिटिकल, जितनी भी सीवियर केसेस, क्रिटिकल केसेस, जो भी बीमारियां थी उसका पूरा का पूरा निदान एलोपैथ में है। 200 वर्षों पुराना, पूरे दुनिया में एलोपैथ एक्सेप्टेबल है, भारत में भी एक्सेप्टेबल है। अब भारत में, भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो हम लोग हटते चले गए, एलोपैथ उसको रिप्लेस करता चला गया। कारण क्या है? आयुर्वेद से जब आप कोई इलाज करते हैं तो वो बहुत स्लोली स्लोली उस पर इफेक्ट करता है, एलोपैथ बड़ी तेजी से इफेक्ट करता है। जैसे आपका सर दर्द किया, तुरंत आपने एक दवा ले ली सर दर्द की, क्विकली एक घंटे दो घंटे में रिलीफ हो गया। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि एक घंटे दो घंटे में रिलीफ हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस हल्का लंबा होता है। ये लाइफ स्टाइल की जो फर्क आया है प्राचीन काल से लेके अब तक, उस फर्क के कारण आयुर्वेद को एलोपैथ ने रिप्लेस कर दिया। अब लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए लोग एलोपैथ की तरफ जाने लगे। अब आप आइए एक और खास बात, एलोपैथ के साइड इफेक्ट हुआ करते हैं, जान ले, क्लियर कट बात है। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ करते। एलोपैथ किसी भी बीमारी के लिए
हो सकता है कुछ बीमारियों, काफी बीमारियों के लिए, लेकिन 100% आप ये नहीं कह सकते, वो जड़ से समाप्त करता है एलोपैथ। आयुर्वेद किसी भी बीमारी के लिए जितनी इसके दायरे में आती हैं उसको जड़ से समाप्त कर देता है। ये दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, डिसीजन आप लें, हमको नहीं लेना डिसीजन, क्योंकि कौन सी चिकित्सा पद्धति बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर है मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये आयुर्वेद हमारे जो वनस्पतियां मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी वनस्पतियां पाई जाती उसी से ही हर्बल तरीके से ये तैयार होता है, ये तो सत्य है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, मैं अपना खुद एग्जाम्पल दे दूं, हमारी बच्ची को हुआ जांडिस जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, एलोपैथिक डॉक्टर ने एक दवा दे दिया और बिलीबिलिन लेवल उसका 14 था, बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर से हमने पूछा, डॉक्टर साहब कितने दिन में कवर हो जाएगा, तो डॉक्टर ने कहा महीनों लग जाएंगे। तो हम कहे कि भाई महीनों लग जाएंगे, थोड़ा सा समय हमारे पास कुछ कम था। फिर मैं गांव पे अपने गया तो जो प्राचीन लोग थे, मतलब ज़्यादा वरिष्ठ लोग थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जो रेण है, एक रेण पौधा पाया जाता है गाँव में, उसकी जब सबसे ऊपर की फुनगी होती जो नए नए कल्ले निकलते उसमें, उसको तोड़ लिए और एक पीस के उस एक एक चम्मच उसका उसको सुबह शाम सेवन करा दीजिए। मैं वही किया, उनकी दवा भी चलाया, एलोपैथिक दवा भी चलाया, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, मैं जानता था इस बात को, मैंने पिला दिया। एक सप्ताह के अंदर उसका जॉन्डिस कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, ये आयुर्वेद के दायरे में ही आता है, क्योंकि हो सकता है जानते हो किताबों में, आयुर्वेदिक किताबों में लिखी हुई, लेकिन हमको ये एहसास हुआ कि नहीं, आयुर्वेदिक इफेक्टेबल है। ऐसा हम भी एलोपैथ मानसिकता से ग्रस्त हैं, हम भी चूंकि एलोपैथ रेशनल वर्ल्ड को, रेशनल मेडिसिन को जन्म देता है, रेशनलिटी को दर्शाता है, आयुर्वेद को हम लोग अमूमन बहुत अंडरएस्टिमेट कर लिया करते हैं, ये हम लोगों की मनोवृत्ति है। चलिए अब आते हैं विवाद की तरफ। IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सबसे बड़ी संस्था बात की एलोपैथिक की, है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ठीक है, आपने योग को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे बहुत सी बीमारियां ठीक होती भी हैं, वेट कम होता, हाइपरटेंशन की बीमारियां खत्म होती, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन आयुर्वेद का क्या ठेका आपने ही लेके रखा है, सब लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम ही ने नहीं लिया है, हमने योग को पतंजलि से लिया, ठीक है, इस एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, चलिए यहाँ तक बात सही। लेकिन फिर आपको स्टेटमेंट देने की आवश्यकता, किसी एक चिकित्सा पद्धति के अगेंस्ट आपको बोलने की क्या आवश्यकता थी, आपकी जो चिकित्सा पद्धति, आप जिस जो हमारी प्राचीन पद्धति आप उसी को आगे एक बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति को आलोचना करके तो बढ़ा नहीं सकते। यहां पर बहुत क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्यों ये ऐसा किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, अगर ये एलोपैथ ऊपर जाएगा तो आयुर्वेद नीचे आएगा। ये बहुत ध्यान से आप ये विश्लेषण सुने, एलोपैथ जितना हाईलाइट होगा उतनी स्पीड से आयुर्वेद नीचे आएगा, और आयुर्वेद अगर बढ़ने लगेगा तो एलोपैथ घटने लगेगा। भाई पेशेंट जितने भी हैं वो किसी एक ही चिकित्सा पद्धति को तो अपनाएंगे, दो दो चिकित्सा पद्धति को तो अपना नहीं पाएंगे। यही मेन जड़ है यहां पर विवाद का, इन दोनों को जाने दीजिए, विवाद की जड़ यहां पर है। अब आप आगे चलिए, आयुर्वेद के आज सबसे बड़े ब्रांड बाबा रामदेव, आज की डेट में इनकी कुल संपत्ति 43,000 करोड़, ठीक, 43,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने ऐसे समय ये विवादित बयान देकर अपने इस आयुर्वेद को आगे लाना चाहा, बढ़ाना चाहा, यानी इनका ये बिजनेस व्यापार और बढ़े। मेन इन लोगों के ब्रेन में क्या चलता है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता, सब बिजनेस का गेम है और किसी का गेम नहीं। पिसते हम हैं, आप
आप हैं। अब हमको तय करना है हम किससे ठीक होंगे। ये तो कोरोना की भी दवा दिए हैं, कोरोनिल कह रहा है कि इससे ठीक हो जाएगा। अगर उससे ठीक हो गए तो आपने क्यों नहीं पूरा इलाज कर दिया भाई, पूरे जितने कोरोना पेशेंट का आप ही इलाज कर दिए होते अगर ठीक हो गए होते तो, क्यों इतने लोगों को मरने दिया। एलोपैथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनका भी वही हाल है। हाँ, कोरोना की जो बीमारी है इन्होंने दावा तो नहीं किया आईएमए ने, उसका वैकल्पिक सोल्यूशन एक सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन लेके आए, अभी भी अनुसंधान रत है ये लोग। इनकी जो दवा है कोरोनिल WHO के द्वारा प्रमाणित नहीं है, इनकी भी दवा तो आईएमए की जो कोवैक्सीन वो भी तो WHO से प्रमाणित नहीं है। ऐसे में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये सही है वो गलत, वो सही वो गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि इन्होंने अपने बयान से माफी मांगी है, लेकिन पहले तो विवाद दे दो, एक विवादित बयान दे दो और पूरा देश उसी को देखता रहे, उसके बस कागज में लिखा लिख के माफी मांग लिया। अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो कि आज की डेट में एक ब्रांड बन गया, पूरा वर्ल्ड आपको जानता है, आप एक गंभीर व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ऐसा स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर टर टर चिल्लाते रहते हैं, कोरोना के पेशेंट मरते रहते हैं। आपको ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई भी शब्द निकालें तो ध्यान से निकालें। आज मैं आपको पूरा आयुर्वेद विवाद जो था एक करंट था, और इस करंट के पीछे क्या था, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ, पूरा इसका इतिहास बता दिया। इसके अलावा इसमें कोई जानकारी ऐसी नहीं थी कि जो आपको और शेयर की जा सकती हमारे द्वारा, हो सकता है आपको और जानकारी हो आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज का ये करंट अफेयर का इशू यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।